हे एवरीवन, वेलकम टू मरियम की रसोई। आज मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही थी, तो मैं सोची चलिए आप लोगों को भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। और आज यहाँ पे मैं चिकन बिरयानी बनाने जा रही हूँ, तो चलिए रेसिपी देखते हैं। और सबसे पहले हम बिरयानी मसाला बनाएंगे। उसके लिए हम लेंगे धनिया, सूखी धनिया 2 चम्मच, और जीरा 1 चम्मच लेंगे, खसखस 1 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच, और लौंग 5 या 6 लेंगे, सूखी लाल मिर्च 7 या 8, तेज़पत्ता 4, दालचीनी एक छोटी लेंगे, छोटी इलायची 5 या 6, और चक्रफूर 1 लेंगे। और फिर उसको अच्छे से भूनेंगे। दालचीनी को हम तोड़ के ही डालेंगे। इसको भूनने के टाइम ध्यान रखना है कि इसको तेज़ आंच पे नहीं भूनना, स्लो आंच पे भूनना है। और ये हल्का भून जाएगा तो फिर इसमें हम 6 या 7 काजू डालेंगे और फिर इसको भूनेंगे। और इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक ये काजू एकदम टाइट ना हो जाए। और यहाँ पे भून गया है, अब इसे हम गैस ऑफ कर देंगे और फिर इसमें 1 चम्मच कस्तूरी मेथी डालेंगे और फिर भूनेंगे। इसको ज़्यादा भूनना नहीं है, इसको गैस को ऑफ करके ही भूनना है, नहीं तो ये कस्तूरी मेथी जल जाएगी। और फिर इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पे हम प्याज तल रहे हैं। और प्याज तलने के टाइम ध्यान रखना है कि तेज़ आंच पे प्याज तलनी है, स्लो आंच पे नहीं। अगर ये प्याज ज़्यादा रहती है तो तेज़ आंच पे ही तला जाता, नहीं तो स्लो आंच पे अच्छे से तल नहीं जाएगा। और फिर जो मसाला भुने हुए थे इसको ठंडा होने के लिए रख दिए हैं। फिर उसके बाद इसको पीसेंगे। यहाँ पे प्याज तल गई है। और अब जो हम मसाला भुने हुए थे वो ठंडा हो गया है, अब इसे हम पीसने जा रहे हैं। वैसे आप अगर चाहें तो वो जो हल्दी 1 चम्मच डाली हुई थी, हल्दी भी डाल के पीस सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हल्दी डाल के नहीं पीसी हुई हूँ और उसको अलग रख ली थी, बाद में फिर मिक्स करूँगी। यहाँ पे ये पीस गया है। मसाला पीसने के टाइम एकदम ध्यान रखना है कि इसको एकदम बारीक पीसना है, ये एकदम मोटा नहीं होना चाहिए। और फिर इसको मैं एक प्लेट में ली हूँ। और अब हम यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 2.5 किलो चिकन लिए हुए हैं और 4 बड़ा टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1 कप दही डालेंगे और 1 कप टमाटर चॉप्ड की हुई डालेंगे और एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और नमक अपने हिसाब से डाल सकते हैं आप। और फ्राई की हुई जो प्याज रखे हुए थे 4 कप डालेंगे और उसको तोड़ लेंगे, अच्छे से तोड़ के तब फिर डालेंगे। और जो मसाला पीसे हुए थे और उसमें मसाले को डालेंगे और 1 कप तेल डालेंगे, 2 टेबलस्पून नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालने के बाद फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करते टाइम मुझे कलर थोड़ा कम लगा तो मैं यहाँ पे कलर डालूँगी, अगर आपको कलर नहीं पसंद है तो आप कलर ना डालें। तो यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच फूड कलर डालूँगी और फिर इसे मिक्स कर दूँगी और फिर मैं इसको मैरिनेट होने के लिए रखूँगी। वैसे मैं 8 घंटे रखी हुई थी, आप जितने देर रखना चाहें उतने देर रख सकते हैं। 8 घंटे रखी हुई थी, अगर आपको ज़्यादा देर रखना है तो आप ज़्यादा देर रख सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा भी बनेगा। जितनी देर आप रखेंगे उतनी देर अच्छा बनेगा। फिर इसमें मैं इसको स्लो आंच पे इसको पकाऊंगी, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, इसको स्लो आंच पे ही पकाना है। इसको मैं चला के थोड़े देर इसको धीमी आंच पे पकाऊंगी, इसका पानी अच्छे से सोख लेगा तब तक पकाना है। और ये देखिए चावल का पानी सोख लिया है। और इसको अब मैं चलाऊंगी और चलाने के बाद इसको स्लो आंच पे ढक के रख दूंगी। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे चावल का पानी रख रही हूँ। चावल के पानी के लिए मैं 5 जग पानी ली हुई हूँ और 3 बड़ा टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद
2 टेबल स्पून वेनेगर डालेंगे। वेनेगर डालने से चावल टूटता नहीं है। और फिर उसके बाद दालचीनी डालेंगे 3, और लौंग 9-10, छोटी इलायची 8, तेज़पत्ता 8, चक्रफूल 1, जावित्री 4, और शाही जीरा 1 टेबल स्पून। फिर चला देंगे और फिर ढक्कन को बंद कर देंगे। और मैं ये कर रही हूँ अपना वर्क, और मुझे वर्क करते करते बहुत अच्छी से स्मेल आ रही है। देखते क्या हो रहा है, मरियम के रसोई में कुछ तो बन रहा है। तभी सोचो कहाँ से स्मेल आ रही है। तो प्यारी सी, खोलो क्या है। जल रहा है, क्या बन रहा है मरियम की रसोई में। ये क्या है, स्मेल इतनी अच्छी आ रही है, और ये क्या रखा हुआ है। तो स्मेल इतनी अच्छी क्यों आ रही थी, ये क्या है। ओ चिकन, चिकन बन रहा है। क्या बन रहा है, बिरयानी। और फिर इसके बाद चिकन यहाँ पे पक गया है, तो इसको मैं हल्का फिर चला दूंगी। और चलाने के बाद फिर ऊपर से धनिया पत्ती डालेंगे और फिर इसको चलाएंगे। और फिर यहाँ पे 5 हरी मिर्च डालेंगे काट के। और फिर इसको चलाने के बाद इसको ढक्कन बंद करके गैस ऑफ करके रख देंगे। यहाँ चिकन तैयार हो गया है, और अब यहाँ पे चावल का पानी पक गया है, तो इसको चलाने के बाद इसमें अब मैं यहाँ पे चावल डालूँगी। और अब यहाँ पे मैं 1.5 किलो बासमती चावल ली हुई हूँ। बिरयानी बनाने के लिए जितने गोश्त रहेंगे वो इतनी चावल ज़्यादा अच्छी बनेगी बिरयानी। और इस चावल को मैं 1 घंटे भिगा के रखी हुई थी, और फिर मैं इसमें अब पानी में डाल रही हूँ। फिर चावल को डालने के बाद इसको चला देंगे पानी में, और फिर ढक्कन बंद करके रख देंगे। और यहाँ पे चावल तैयार हो गया है। ये हल्का कच्चा चावल होगा तो ज़्यादा अच्छी बिरयानी बनेगी। और इसको अब थोड़ा सा मैं इसके पानी निकाल लूँगी एक जग में, और फिर इसको छान लूँगी। और यहाँ पे चावल छान ली हुई हूँ, फिर उसमें अब मैं तेल डालूँगी नीचे, और फिर इसमें चावल का तह लगाऊँगी। और फिर उसके ऊपर से मैं गोश्त यहाँ पे डाल रही हूँ। चावल के ऊपर से गोश्त डालने के बाद हरी मिर्च डालूंगी, और फिर उसके बाद उसी के ऊपर से तह लगाऊंगी फिर से चावल का, और इसी तरीके से पूरा तह लगा लूंगी। और इसको चावल को अच्छे से ऊपर से फिर बराबर कर देंगे। बराबर करने के बाद ऊपर से यहाँ पे घी डालेंगे 1 कप, और फिर 1/2 कप तेल डालेंगे। तेल अगर आपको घी ज़्यादा नहीं पसंद है तो तेल डाल सकते हैं। और फिर उसमें फूड कलर डालेंगे। फूड कलर में यहाँ पे मैं गुलाब जल और फूड कलर येलो कलर का ली हुई हूँ। और फिर जो पानी निकाली हुई थी जग में वो पानी ऊपर से डाल देंगे। भाप बनने के लिए मैं ढक्कन पे कपड़े लगाई हुई हूँ, और फिर नीचे उसके जले ना बिरयानी, तो फिर उसके मोटा बर्तन रखूँगी और तेज़ आंच पे पकाऊँगी। Many hours later. और यहाँ पे बिरयानी दम हो गई है, तो इसको अब मैं खोलूँगी। फिर
बिरयानी को अच्छी तरीके से पूरा मिक्स कर दूंगी। और यहाँ पे बिरयानी मिक्स हो गई है। अब इसे मैं सर्व करूँगी। सर्व करने के लिए एक प्लेट में निकालूँगी इसे। यहाँ पे बिरयानी तैयार हो गई है। और फिर बिरयानी बनने के बाद कुछ मीठा तो चाहिए था, तो यहाँ पे मैं सूजी का हलवा बनाई हुई थी। अगर आपको ये सूजी का हलवे की रेसिपी चाहिए होगी तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं फिर सूजी का हलवे की रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।